नमस्कार। 7 जनवरी 2016 यानी कि शिमला में स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा पर्यटक है और आप देख सकते हैं कैमरे के थ्रू इस वक्त बहुत तेज बर्फबारी हो रही है और मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं जो बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे, कहाँ से है और कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सर कहाँ से आए आप? सर मैं यमुनानगर से दिनेश मेहंदी रहता जी। मैं सर प्रशासन से एक ही बात कहूंगा कि एक तो यहाँ पर जो होटल हैं उनका थोड़ा सा देखें और वो रेट्स वगैरह थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं जी। और पर्यटक जो आता है प्रशासन ये है कि उस रास्ते को थोड़ा सा साफ कराए, क्योंकि अब हम आए हैं पेड़ वगैरह गिर गए हैं, उससे लाइट वगैरह कल रात से नहीं है, हमारे मोबाइल बिल्कुल नहीं चल रहे और संपर्क किसी से भी नहीं हो पा रहा। पर वैसे हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हर एक दुकानदार जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप होता है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि मोदी सरकार और पर हिमाचल सरकार इस चीज़ को ध्यान से दे दे। बस साफ तौर पर इनका कहना है कि शिमला में जो सरकार की तरफ से इंतजाम है वो सही नहीं है। बात करते हैं कुछ और लोगों से जिन्होंने एंजॉय किया इस टाइम। कहाँ से हैं मैम? सो माय सेल्फ इज कनिका और मैं भी हरियाणा यमुनानगर से। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? स्नोफॉल हो रहा है सर, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इतने टाइम बाद हमने स्नो, मेरे बच्चों को घुमाने स्पेशली हम स्नो दिखाने कुफरी लेके जाना था, बट यहाँ इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं कि हमें मन नहीं कर रहा। हम कुफरी जाना कैंसिल हो गया, शिमला में एंजॉय कर रहे हैं। आप कैसा लग रहा है आपको स्नोफॉल देख के? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है। मैंने आज फर्स्ट टाइम है शिमला और मुझे फर्स्ट टाइम स्नोफॉल ऐसी देखी है। आपने गोले मारे किसी को? हाँ जी हाँ जी, हम प्ले कर रहे सारे, मेरे फ्रेंड्स आ रहे, मेरे सारे भाई बहन सारे हम प्ले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। पर आप सबके चेहरे देख के लगता नहीं कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो? नहीं एंजॉय। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि अगर कुदरत का करिश्मा धरती पर देखना है तो वो बर्फ ही होता है। हिमाचल वॉच यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शिमला में काफी साल बाद बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है और आप देख सकते हैं कि शिमला पूरा सफेद हो चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसे पर्यटक है जो कुछ कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं उनसे। सर माई सेल्फ राकेश, मैं हरियाणा यमुनानगर से आया हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जितनी जिम्मेवारी प्रशासन की होती है उतनी जिम्मेवारी सर हमारी टूरिस्ट की होती है कि हम सबसे पहले क्या है कि हम पॉल्यूशन का थोड़ा ध्यान रखें। देखो मैं 93 में एक बार आया था तो उससे पहले कंटिन्यू हर साल बर्फ गिरती थी, अब बर्फ नहीं गिर रही तो सर इसके पीछे भी जो है हमारी ही देन है। कुदरत तो हर साल बर्फ देती है बट हमने पॉल्यूशन इतना फैला रखा है उसकी वजह से जो है स्नोफॉल नहीं होती। तो मैं टूरिस्ट से ये मेनली रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पॉल्यूशन की ओर मतलब उसको अवॉइड करें, ज्यादा डस्टी को अवॉइड करें, ठीक है। प्रशासन सर बहुत अच्छा है यहाँ का, ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी जिम्मेवारी प्रशासन की है सर उतनी टूरिस्ट की है। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल वॉचर के जरिए ये बात सब तक जाए कि जो पर्यावरण है वो बहुत खराब हो चुका है, एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे शब्द हम हर रोज सुनते हैं। शिमला में जो बर्फ आज से कई साल पहले इतनी अच्छी पड़ती थी, काफी साल बाद शिमला में इस तरफ की बर्फ अब देखने को मिली है। अब देखना है कि आने वाले समय में बर्फ कैसी पड़ती है। हिमाचल मेरे सहयोगियों के साथ हिमाचल वॉचर के लिए शिमला से तरुण। इस वक्त हिमाचल वॉचर की पूरी टीम स्केटर पॉइंट पे है और मेरे साथ बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे हैं जो बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं। सर कैसे लग रही है आपको स्नोफॉल? बहुत अच्छा, आज से पहले ऐसा सीन ही कभी नहीं देखा हमने, इतना बढ़िया व्यू, मजा आ रहा है। ये भी बोल रहे सर जी, हम तो लोकल है इतना एंजॉय ले रहे हैं तो टूरिस्ट कितना एंजॉय ले रहे होंगे। काफी सालों बाद शिमला में बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है, फर्स्ट टाइम शिमला आया और फर्स्ट टाइम ही बर्फ मिली हमें, बहुत लकी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको कैसा लग रहा है बर्फ? बहुत ज्यादा अच्छा, इतना अच्छा व्यू कभी नहीं देखा, बहुत मजा आ रहा है। आप कहाँ से मैम? गाजियाबाद से। आप सबके साथ है? हाँ जी। कैसे एंजॉय कर रहे हैं बर्फ? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सुबह 4 बजे एंजॉय किया, फिर 9 बजे किया, फिर अभी फिर आए, रोक मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहे, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, जो सपना था ना वो पूरा सा हो गया। तो आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं बिल्कुल नहीं ठंड लग रही। हिमाचल वॉचर के लिए तरुण शर्मा, थैंक यू। तो मैं अर्जुन मेरे को लगे नहीं जाती।